मन चित्त और बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को मिलाकर आत्मा कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर आत्मा तो चंचल है ना, आत्मा मन में चंचलता है। आत्मा में जो मन है चंचल, वो चंचल है। जैसे शिव की आत्मा है उसमें चंचलता है नहीं, माने उसमें मन नहीं है, वो असोचता है। शिव असोचता है, सोच विचार करने की उसे दरकार ही नहीं, मन उसमें है ही नहीं। और बाकी 500-700 करोड़ आत्माओं में मन काम करता है। तो जो मन है वो आत्मा की, जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माओं की एक शक्ति है, और उस मन को भी कंट्रोल करने वाली शक्ति है बुद्धि। इसलिए गीता में आया हुआ है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से भी प्रबल है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को। मन से भी प्रबल है, तीसरा नेत्र बुद्धि है। यो बुद्ध्या परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि।